एवरीवन, वेलकम बैक इन बिग डेटा एनालिटिक्स कोर्स। एंड आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है, पता है क्यों? क्योंकि जो चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे, जब तक आप कंप्यूटर के थ्रू नहीं करोगे, तब तक क्लियर नहीं होती। बट फिर भी इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, इसलिए अपन इसको फास्ट कवरअप करेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस एक्चुअली ना आपको प्रैक्टिकली करेंगे तभी क्लियर होती है। बाकी थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए, ताकि अपन इन टाइप के क्वेश्चंस को रिप्लाई कर सके। देखो कुछ ही नहीं है, अपन को करना है गेटिंग स्टार्टेड विद हाइव, या बोल दो कि हाइव का इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरा समझा दो, तो अपन को वही करना है। सबसे पहले कुछ ही नहीं करना है, सबसे पहले आप क्या काम करोगे खुद सोचो। आप अगर आपको हाइव से स्टार्ट करनी है तो क्या करोगे? सबसे पहले मैं हाइव को डाउनलोड करूँगा सर, बिल्कुल। और क्या करोगे? लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करोगे, ठीक है। उसके बाद आप इस पर कमांड चलाओगे, ठीक है। अभी कमांड क्या है सर? कमांड ये है जिसमें आप हाइव को इंस्टॉल कर रहे हो, ये री कमांड्स, जिसके अंदर इंस्टॉलिंग अपाचे हडूप एंड हाइव दोनों को इंस्टॉल कर रहा है, अपाचे हडूप को एंड हाइव को। इसके बाद सेकंड कमांड को लिस्ट करने को बोल रहा है। सेकंड कमांड क्या बोल रही है? देखो सेकंड कमांड बोल रही है सेटिंग अप अपाचे हाइव एनवायरनमेंट वेरिएबल। अब देखो जैसे ही आपने इसको डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है, तो इसका एनवायरनमेंट तो सेट करना ही पड़ता है। जैसे अपन जावा डाउनलोड करते हैं तो उनका एनवायरनमेंट क्या करना पड़ता है? सेट करना पड़ता है, तो इनका भी एनवायरनमेंट सेट करना पड़ेगा। और थर्ड प्रोसेस है इसकी, थर्ड प्रोसेस में आपको XML फाइल क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आप क्रिएट कर ही सकते हो, नो बिग इश्यू। इतना सब हो गया, अब होता है अपना, ये सब हो गया, अपाचे का काम हो गया और आपने हाइव डाउनलोड कर लिया। अब इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताया जा रहा है इसके अंदर, इंस्टॉलेशन कैसे करोगे, ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपको दिमाग में रखनी है। और मेनली अगर आपको पेपर में लिख के आना है तो देखो ये कॉन्फ़िगरेशन वाला स्टेप लिख के आ जाना, एक सेकेंड, ये देखो इसमें कॉन्फ़िगरेशन लिखो, प्रॉपर्टी लिखो, उसमें नेम लिखो, वैल्यू लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, प्रॉपर्टी क्लोज, कॉन्फ़िगरेशन क्लोज, ये थोड़ा बेटर रहता है अंडरस्टैंडिंग पर्पस से। नाउ हाइव इंस्टॉलेशन के अंदर आपको सबसे पहले जावा इंस्टॉलेशन वेरीफाई करनी पड़ेगा, जावा लेबल है या नहीं है। उसके बाद आपको अगर नहीं है तो देखो जावा इंस्टॉल करनी है ऑब्वियसली, उसका पाथ को सेट करना है, ठीक है, उसके एनवायरनमेंट को, उनके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सेट करने, तो वही सब प्रोसेस है। यहाँ पे हडूप इंस्टॉलेशन को वेरीफाई करना है, अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं अवेलेबल है तो इसको क्या करना है, आपको डाउनलोड पे लगा देना है। तो जो अब तक अभी मैंने आपको सब कुछ समझाया, जावा इंस्टॉल करना, हडूप इंस्टॉल करना हाइव को, ठीक है, वो था लोकल मोड के अंदर। अब आपकी चीज़ अगर सूडो डिस्ट्रीब्यूटेड मोड के अंदर हो तब आपको कैसे करना है? तो हडूप को सेटिंग अप करना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद हडूप का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। आप देखो इसके अंदर की डिटेल भी ना लिखो तो स्टेप्स तो एटलीस्ट याद रखो किस तरह से करने हैं, सो डैट कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये हडूप का कॉन्फ़िगरेशन याद आ गया होगा आपको, हडूप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये तीनों स्टेप मैंने बताए थे, वो का वही है। क्या है सर? कोड साइड XML वाली फाइल आ गई, ये वाली फाइल आ गई सर, और एक सर ये यौन वाली फाइल आ गई अपनी, और एक मैप रेड वाली साइड फाइल आ गई, XML वाली चारों फाइल आ गई, ये तीनों बताई थी मैंने, ये वाली न्यू लग रही है थोड़ी सी, ठीक है, वेरीफाई कर दो फाइनली। देखो एक सेकंड, सॉरी कहाँ गया, ये वेरीफाइंग हडूप इंस्टॉलेशन आ गया। इसके बाद इस वेरीफाई हडूप इंस्टॉलेशन के अंदर क्या होगा, वेरीफाई क्या हो सकता है इसके अंदर? नेम नोड आपके जो भी मैंने पढ़ाए, हडूप DFS आपका, यॉन स्क्रिप्ट को वेरीफाई करना है, हडूप को ब्राउजर पे एक्सेस करवाना है, उसके बाद सारी वेरीफाई करवानी है एप्लीकेशंस को क्लस्टर के ऊपर, उसके बाद हाइव को डाउनलोड करना है। सब कुछ रेडी हो गया, एनवायरनमेंट सेट हो गया, सारा पाथ रेडी हो गया। ये अपन किसके अंदर बात कर रहे हैं? सूडो डिस्ट्रीब्यूटेड मोड के अंदर, लोकल के अंदर वहाँ तक का खत्म हो गया। अब ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये अपनी सूडो डिस्ट्रीब्यूटेड मोड के अंदर है, लोकल भी लिख के आ जाएगी तो नो इशू, नंबर मिलेंगे अच्छे खासे। तो इसके अंदर आपको इंस्टॉल करना है, वही कॉपी करनी है, सेटिंग अप करना है आपके एनवायरनमेंट को, और कॉन्फिगर करना है हाइव को। इसके बाद आपकी जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं अपन अपाचे डेरवाई, तो इसको यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसके एक्सट्रैक्ट करना, वेरीफाई करना डेटा आर्चिव को, एंड देन लास्ट स्टेप देखो इसके अंदर, ये देखो ये तो करना ही, एनवायरनमेंट डेरवी को, सबके एनवायरनमेंट सेट करने जिन जिन को आप इंस्टॉल कर रहे हो, ये दो स्टेप तो पक्के है, इंस्टॉल करना उसके बाद एनवायरनमेंट सेट करना, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन नहीं करा हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन सेट करना। ये मेटा स्टोर जो अपन यूज़ कर रहे हैं हाइव के अंदर उसका ये यहाँ पर क्या है, कॉन्फ़िगरेशन देख रहा है। तो बस यही था हाइव के अंदर इंस्टॉलेशन ऑफ हाइव, या बोलो गेटिंग स्टार्टेड विद अपाचे हाइव। आई बिलीव आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा होगा, मुझे भी कॉम्प्लेक्स लगता है, इसके रेयर चांस होते हैं आने के क्वेश्चंस, बट क्या पता आई जाए। तो एक बार ये पॉइंट्स तो याद कर ही लेना, अंदर का माल याद ना करो तो मटेरियल ये याद ना रखो, तो केवल पॉइंट या चीज़ें याद रहेगी तो आप थोड़ा कुछ लिख के आ जाओगे अपने अकॉर्डिंगली, तो अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर, ठीक है। एग्जामिनर भी देख लेगा कि हाँ भाई बंदे ने मेहनत की है, नंबर मिलने चाहिए।
सो फिलहाल वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. स्टिल एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में. शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स. जय हिंद जय भारत.